तीन फेज लोड शेडिंग से किसान हुए परेशान, अपनी मांग पर चार घंटे तक अड़े रहे। हाल ही में गोंदिया भंडारा जिले में किसान ओके कृषि पंप की थ्री फेज बिजली कटौती को लेकर जिले में कहीं जगह हाल ही में गोंदिया भंडारा जिले में किसानों के कृषि पंप की थ्री फेज बिजली कटौती को लेकर जिले में कई जगह आंदोलन कर तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं कल दोपहर को सिहोरा क्षेत्र के किसानों ने आकर सिंधपुरी स्थित बिजली विभाग कार्यालय में जाकर मौजूद अभियंता अवचट का घेराव किया। ये घेराव में जिला परिषद सदस्य रमेश पारधी और प्रमुखता से पूर्व सभापति कलाम शेख, पंचायत समिति के सदस्य सुभाष बोरकर, राजेंद्र ढबाले, छगनलाल पारधी, विनोद पटले, पंचायत समिति सदस्य कंचन कटरे मौजूद थे। इसके पहले किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाती थी, जहां अब मुश्किल से मुश्किल मात्र 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिस कारण किसानों ने लगाई हुई धान की फसल मरने की कगार पर आग पहुंची है। खेतों में पानी के अभाव से दरारें आ गई हैं। खेती का ये हाल देख परेशान किसान इस समस्या को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में 4 घंटे डटे रहे और अपनी 8 घंटे बिजली मिलने के मांग पर अड़े रहे और लिखित स्वरूप में आश्वासन की मांग की। इस घेराव आंदोलन में भारी संख्या में किसान मौजूद थे, जिसे देख सिहोरा थाना के थाना प्रभारी नारायण तुरकुंडे के मार्गदर्शन में बंदोबस्त किया गया था। सध्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी शेतीपंप विद्युत इमर्जन्सी लोड शेडिंग येत होतं, त्यामुळे शेतकरी शेती फिडरवर 6 तास किंवा त्यापेक्षा कमी विद्युत पुरवठ्याचा इमर्जन्सी लोड शेडिंगमुळे सध्या परिस्थितीमध्ये कालपासून इमर्जन्सी लोड शेडिंग विड्रॉल आहे। आता या शेतकऱ्यांचे जे शेतकरी आहेत त्यांच्या 3-3, 4-4 तास बिजली कपात करण्याचा काम यांनी आता या दुसरा फंडा त्यांनी या केला आहे। म्हणजे कुठंतरी विद्युत विभागाचा या भागाच्या शेतकऱ्याशी दुश्मनी आहे म्हणून हे व्यवहार करतात। वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी सांगत आहेत की लोड शेडिंग नाही, मग जेव्हा लोड शेडिंग नाही आहे तर मग आम्ही म्हटलं तुम्ही आम्हाला 8 तास द्या, जेव्हा 8 तास बिजली आम्हाला पाहिजे याचा लिहून द्या, ते एवढे उपविभागीय अधिकारी असून हे म्हणतात आम्हाला अधिकार नाही आहे। मग जेव्हा कुणाला यांना अधिकार नाही आहे तर मग बाकी हे कशाला करतात, आणि म्हणून आजच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतो आहे। तुमसरचे BCN न्यूज के लिए जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।